चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मिल्क, आधा कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, अनसॉल्टेड बटर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून नमक एंड आधा कप शुगर। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम कोको पाउडर, शुगर, नमक और मैदा मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमारा 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। हमें बटर को पूरी तरीके से मेल्ट करना है। हमारा बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे। और इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। हमें दूध को अच्छी तरीके से पकाना है। हमारा दूध पक चुका है। अब हम हमारा इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे, कोको पाउडर, शुगर, मैदा और सॉल्ट का। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हम इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे गैस पर, मीडियम आंच पर। हम इसे लगातार चलाना पड़ेगा जिससे इसके अंदर लम्स ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा चॉकलेट सॉस धीरे धीरे कलर चेंज कर रहा है। इसे अच्छी तरीके से चलाते जाएं। मैंने अभी लो फ्लेम कर लिया है। हमें इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। हम इसे स्टर करते जाएंगे। आप इसे जितना गाढ़ा बनाना चाहते हैं उसे आप उतनी देर तक पका सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा चॉकलेट सॉस स्मूथ बनता जा रहा है। मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा चॉकलेट सॉस एकदम स्मूथ बन चुका है। और ये एकदम तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए एक बार हम छोड़ देंगे। फिर हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा चॉकलेट सॉस एकदम तैयार है। आप इसे केक की डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।